नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूं ये ऑन ऑफ स्विच। आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच का यदि ट्रैक खराब हो जाता है तो ऑन ऑफ स्विच के ट्रैक को हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगर हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है तो इसके कारण से हमारा मोबाइल फोन डेड भी हो जाता है, हमारा मोबाइल फोन ऑन नहीं होता, या ऑन ऑफ बटन खराब होने से सेट रीस्टार्ट इस तरीके से प्रॉब्लम भी आती है, या कई बार ऐसे भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आता है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में देखा जाता है कि ऑन ऑफ स्विच खराब होने से मोबाइल फोन में कई बार जब लॉन्ग प्रेस करो तब कहीं एक बार काम करता है, काम नहीं करता, या तो लाइट जलती बुझती रहती, इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे ऑन ऑफ स्विच अपने मन से शॉर्ट कर रहा हो, इस तरीके से ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास जो भी एंड्रॉयड बोर्ड आता है, इस एंड्रॉयड बोर्ड में अगर ऑन ऑफ की लाइन खराब हो जाती है तो ऑन ऑफ की लाइन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से आपको पूरा डिवाइसेस के बारे में आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हम लोग आपको मोबाइल फोन में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने ट्रैक के ऊपर और इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ये सारी जितनी सारी वीडियो हैं ये ट्रेसिंग के, हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आप सब चीज़ों के माध्यम से अच्छे से सीख सकें। ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट के लिए हैं जो हमारे स्टूडेंट वीक हैं और आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, उनको रिपेयरिंग तो आती है लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई को नहीं तोड़ पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है कि उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा और अच्छी तरीके से सीख करके प्रिपेयर हो सकते हैं और बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों ऑन ऑफ स्विच ट्रैक के बारे में सीखने वाले हैं कि ऑन ऑफ स्विच का लाइन खराब हो जाता है तो उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर जो ऑन ऑफ स्विच के लिए सप्लाई आती है, तो ऑन ऑफ स्विच के लिए मोबाइल फोन में अगर ऐसा ऑन ऑफ स्विच दिया होता है, इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट होता है, इसको पावर का पॉइंट भी कहते हैं। इस पावर के पॉइंट में से एक पॉइंट तो इसका ग्राउंड होता है और एक पॉइंट जो होता है इसका सप्लाई का होता है। जो सप्लाई का पॉइंट होता है, सप्लाई के पॉइंट में आगे अगर आप देखेंगे तो आगे पॉइंट बना होता है, टिप्स जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यू आर यानी पावर टिप्स। उसके बाद सप्लाई आगे जाती है, सप्लाई आगे जाने के बाद आपका डायोड लगा होता है, डायोड के बाद आपका कैपेसिटर लगा होता है। यह ऑन ऑफ स्विच की जो पॉजिटिव सप्लाई होती है, आगे जाती है एक पावर टिप्स होता है, डायोड लगा होता है, कैपेसिटर होता है, एक आपका रजिस्टर भी लगा होता है। उसके बाद सप्लाई आगे जाती है, कई मोबाइल फोन में यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि एक आपका डायोड भी लगा होता है। उसके बाद जो इसकी एक सप्लाई जो होती है वो तुम्हारी, कई बार मोबाइल फ़ोन में ये देखा गया है कि एक सप्लाई जो होती है ये तुम्हारी चार्जिंग आईसी की तरफ जाती है और इसकी दूसरी सप्लाई जो होती है पावर आईसी पे चली जाती है। अब दोनों सप्लाइयों का क्या यूज होता है, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। यह ऑन ऑफ स्विच का लाइन होता है, कुछ मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता है कि ऑन ऑफ स्विच का लाइन सीधे पावर आईसी पे जाता है, ऐसा भी होता है। कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑन ऑफ स्विच का लाइन जो चार्जिंग आईसी पे भी जाता है, पावर आईसी पे जाता है। देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा ऑन ऑफ स्विच मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बटन होता है, इस ऑन ऑफ स्विच बटन के अंदर दो फंक्शन होते हैं। एक तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि इसके अंदर पावर भी होता है और की भी होता है, तो इसीलिए पावर प्लस की बोला जाता है, मतलब पावर की ऑन ऑफ बटन। जैसे अगर आप इसको एक बार दबाते हैं, वन टच, एक बार चालू किया बंद किया, चालू किया बंद किया, इसे बोलते हैं वन टच। अगर वन टच आप शॉर्ट करते हैं तो वन टच शॉर्ट करने से इसका इफेक्ट लाइट चार्जिंग से जाता है, जिससे इसकी डिस्प्ले की लाइट जो होती है इनेबल होती है, डिसेबल होती है, ऐसे। ये पहला। उसके बाद क्या होता है, यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, क्या करते हैं लॉन्ग, ऐसे, देखिए ये पावर के लिए ऑप्शन हाईलाइट होता है,
जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, लॉन्ग का मतलब होता है टच करने से नहीं पावर का ऑप्शन हाईलाइट होगा, जब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो लॉन्ग प्रेस करने से पावर का ऑप्शन हाईलाइट होता है। वो पावर का ऑप्शन कहाँ से जनरेट होता है? वो पावर आईसी के माध्यम से जनरेट होता है। इसीलिए आप एक बात और भी है, इसी लॉन्ग प्रेस करने की वजह से आप जब इसको पावर बटन को, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, वो मोबाइल फोन जब स्विच ऑफ हो जाता है, जब उस ऑन ऑफ बटन को एक बार दबाते हैं तो फोन नहीं चालू होता, जब उसको काफी देर तक ऐसे शॉर्ट करके रखते हैं, जैसे शॉर्ट करके रखते हैं तो आपका मोबाइल फोन फट से वाइब्रेट होता है और मोबाइल फोन आपका क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। जब आप लॉन्ग प्रेस करते हैं उस समय पर पावर आईसी पर एक्टिवेशन होता है, यदि आप वन टच करते हैं तो उस समय पर चार्जिंग आईसी पर जाता है, जिससे उसके लाइट ऑन हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये इस तरीके से ऑन ऑफ के मोबाइल फोन के अंदर कनेक्टिविटी होती है। अब जहां पर यहीं पर बात आती है, जो हमारे सैमसंग के हैंडसेट आते हैं ऑन ऑफ स्विच में, हमारे ऑन ऑफ स्विच के दो तरीके के ट्रैक्स पाए जाते हैं जितने भी मोबाइल फोन होते हैं। एक तो सबसे पहला ट्रैक होता है जो सिंपल ट्रैक होता है, उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा ट्रैक बताता हूं कि एक हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ का दूसरा भी ट्रैक होता है। कैसे ट्रैक होता है? सबसे पहली बात, सेम वही ऑन ऑफ स्विच का बटन होता है। इस ऑन ऑफ स्विच के बटन में एक सप्लाई जो होती है, ये तुम्हारी बैटरी कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट होती है। यहाँ पर 3.7 वोल्टेज आते हैं, ये 3.7 वोल्टेज आगे जाते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे पावर टिप्स लगा होता है, एक डायोड लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, और ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है पावर आईसी के अंदर। अब आप क्या काम कर रहे हैं, जैसे ट्रिगर को शॉर्ट करते हैं तो 3.7 वोल्टेज यहाँ पर जाता है और आपके मोबाइल फोन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके जो पॉजिटिव जो सप्लाई होती है उसको ग्राउंड के साथ में जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव सप्लाई होती है वो यहाँ से निगेटिव सप्लाई आती है, उसके साथ में आपको ग्राउंड से जोड़ा जाता है। ये हमारे दो तरीके के सर्किट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप और एक को बोलते हैं स्टेप डाउन, जिससे जो हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच ट्रैक को क्या काम करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या होता है कि हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई होती है उसको ग्राउंड के साथ में शॉर्ट कराया जाता है। दूसरा क्या होता है, जो पॉजिटिव सप्लाई होती है उसको पावर आईसी के माध्यम से उसको शॉर्ट कराया जाता है, जिससे आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है, ऑन होता है। इस तरीके के सर्किट को स्टेप अप स्टेप डाउन, पुल अप डाउन पुल अप अप, इस तरीके से सर्किट के नाम से इसको बोला जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है या चेक करने का तरीका क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फिर इसके बारे में डिटेल से, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये ऐसा तरीका ज़्यादातर आपके मोबाइल फ़ोन में चाइनीज हैंडसेट में होता है, ऐसा तरीका ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ऐसा मोस्टली आपको देखा गया है, या और भी मोबाइल फ़ोन आते हैं जिसके जिसमें भी ऐसा सर्किट देखा जाता है ऑन ऑफ स्विच का। अब ये दोनों सर्किट के बारे में मैं आएंगे जब आपको सिमेटिक में आपको बताऊंगा तो पूरा आपको डिटेल में वहां पर दिखा भी दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो सीखने वाले हैं ऑन ऑफ स्विच सप्लाई को कैसे चेक किया जाएगा, या ऑन ऑफ स्विच के बारे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको टोटल आपको बताने वाला हूँ। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहले क्या करिए, आप उसको ऑन ऑफ स्विच को चेक करिए। ऑन ऑफ स्विच की टेस्टिंग होती है, जब आप उसको चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप नहीं देगा। ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंटों में जब आप चेक करेंगे तो यहां पर चेक करने पर क्या है, बीप नहीं देगा, लेकिन जब इसको शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने पर ये बीप देगा। मतलब आपने मल्टीमीटर को यहां रखा, दबाओगे तो बीप देगा, नहीं दबाओगे तो बीप नहीं देगा। तो इसका मतलब ऑन ऑफ स्विच का काम होता है किसी चीज को शॉर्ट करना। अगर आपने देखा यह पहले से ही बीप दे रहा है तो उस कंडीशन पर आपका ऑन ऑफ खराब है, ऑन ऑफ खराब है, ऑन ऑफ को हटा दीजिए, मार्केट से नया ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लाइए, उसको लगा दीजिए और आपका चालू हो जाएगा, पहली चीज। अब आपने ऑन ऑफ को चेक कर लिया, ऑन ऑफ के बाद अब आपको इसका ट्रैक चेक करना है। ट्रैक कैसे चेक करेंगे, ट्रैक चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके जब माइनस वाली पिन है यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर बीप आएगी, प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगी। यहाँ पर चेक करने पर आपको 500 से लेकर के 1600 तक आपको समथिंग आपको वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू आती है तो इससे तुमको पता चलता है कि ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो ट्रैक खराब होता है। इस वैल्यू को ही हम लोग जीआर बोलते हैं या ग्राउंड रीडिंग नाम से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर मान लिया इसका प्रिंट फट जाता है, सप्लाई नहीं आती, तो आप लोग चिमटी लेते हैं। चिमटी में यहाँ पर ऐसा गोला बना होता है,
इस गोले में पावर टिप्स लिखा होता है, इस गोले को आप किसी ग्राउंड के साथ में ऐसे टच करिए, जैसे चिमटी से गोले को ग्राउंड के साथ में टच करते हैं और आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि या इस ऑन ऑफ का लाइन या ऑन ऑफ स्विच के ट्रैक तक नहीं पहुंच रहा है, या तो तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच का जो पत्ता है वो खराब हो गया। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, मोबाइल फोन में कस्टमर कहता है भाई मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो चार्जिंग तो बताता है लेकिन फोन चालू नहीं होता, तो उस कंडीशन पर ऐसा भी हो जाता है कि बटन खराब हो जाती है। अब उस बटन अंदर फिट होती है तो उसको हम लोग नहीं चेक कर पाते, मान लिया थोड़ा सा चेक करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग चिमटी लेते हैं, चिमटी को लेते हैं, चिमटी का एक हिस्सा ग्राउंड पर लगाते हैं, दूसरा हिस्सा जैसे ही पावर पर टच करते हैं तो फट से आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है। जब आपका मोबाइल फोन चालू हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि भाई आपके मोबाइल फोन में 100% वो ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का पत्ता खराब है। ऑन ऑफ स्विच का पत्ता खराब होगा तो उस पत्ते को आप क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, उस पत्ते को चेंज कर देगा, चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ट्रैक खराब होगा तो यहाँ से लेकर के पावर की तक जम्पर मार देंगे तब भी आपका मोबाइल फोन चालू हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो इसके लाइन में डायोड और रजिस्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, इनको भी आप चेक करेंगे। अगर जो पैरेलल पोजीशन में लगा होगा तो उसको शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, जो सीरीज में लगा होगा उसको ट्रैक के लिए चेक करेंगे। अगर रजिस्टर चेक करेंगे, रजिस्टर चेक करने पर वैल्यू देता है तो सही है, क्योंकि बहुत नॉर्मल वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो हम लोग इस पर जम्पर भी मार देते हैं। ये रजिस्टर समथिंग 1 किलो ओम के नीचे तक का ही लगा होता है, अगर खराब हो जाएगा तो जम्पर मारने से लाइन को शॉर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम के ट्रैक को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसी चीज को मैं आपको बोर्ड में भी दिखाता हूँ कि बोर्ड में आपको किस तरीके से आपको चेक करना है और कैसे चेक करने पर आपको ट्रैक मिलेगा। ये हमारे पास मोबाइल फोन एंड्रॉयड मोबाइल फोन का बोर्ड है। इस बोर्ड में देखेंगे ये आपके 3 की दी हुई है, ये आपका वॉल्यूम का ट्रैक है, और इस तरफ आप आएंगे तो ये आपका ऑन ऑफ स्विच का दिया हुआ है। ऑन ऑफ स्विच में ये ट्रैक होते हैं, आप इसके पीछे देखेंगे, मैं बोर्ड में इसके पीछे पलट के दिखाता हूँ। ये इधर नहीं दिया हुआ है और ये ऑन ऑफ स्विच में ट्रैक दिया। ऑन ऑफ स्विच में जब आप चेक करेंगे तो ऑन ऑफ स्विच में चेक करने पर इसके एक पिन पर आप चेक करने पर बीप आएंगे। इसके एक पिन पर बीप आने का मतलब होता है इसका एक पिन क्या होगा, ग्राउंड होगा, दूसरा पिन क्या होगा, प्लस का होगा। जब आप प्लस के लाइन में चेक करेंगे तो प्लस के लाइन में क्या होता है, इसके ट्रैक में क्या होता है, कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कहाँ लगे होते हैं वो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए या तो हम इसको ट्रैक फाइंड करके। कैसे ट्रैक फाइंड करके, यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग GR रीडिंग बोलते हैं। ये वैल्यू समथिंग जो होती है 400 से लेकर के मैंने आपको बताया 1600 के बीच में अप्रॉक्स में आती है। अगर ये वैल्यू आती है तो आपका ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आती तो ट्रैक खराब होता है। ट्रैक खराब होने पर आप मल्टीमीटर के एक पिन को रखते हैं, एक पिन को रखने के बाद चेक करते हैं कहाँ से बीप आती है। जैसे इसके लाइन में हो सकता है ये रजिस्टर लगा हो, ये रजिस्टर सप्लाई आगे जाएगी, उसके बाद सप्लाई होते हुए डायोड से होता हुए सप्लाई चली जाएगी तो हमारी पावर आईसी के अंदर, और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अगर इनकेस तुम्हारा ये वाला रेजिस्टेंस तुम्हारा ब्रेक हो जाता है तो आपका मोबाइल फोन क्या ऑन नहीं होगा। हाँ, अगर इसके आगे पीछे देखेंगे तो इसके लाइन में एक छोटा सा कहीं ना कहीं ऐसा गोला भी दिया होता है। ये जो गोला दिया होता है इसमें लिखा होता है PWR, तो PWR या कई बार ऑन ऑफ लिखा होता है, या तो लिखा होता ऑन एक्स ऐसा भी लिखा होता है, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं ये हमारा पावर का गोला है। तो हम लोग जैसे ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ से लेकर चिमटी से, जैसे इसको शॉर्ट करते हैं और आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है तो समझ जाते हैं कि इसके मोबाइल फ़ोन का ऑन स्विच खराब है, पत्ता खराब है, या यहाँ से लेकर ट्रैक का जम्पर मार देते हैं तब भी हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑन स्विच की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में ऑन स्विच की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच से संबंधित हमारी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो हम लोग पहले ऑन ऑफ स्विच को चेंज कर देते हैं। ऑन ऑफ स्विच खराब होता है तो उसके सप्लाई लाइन को चेक करते हैं, सप्लाई लाइन खराब होता है तो उसके बाद हम लोग उसके ट्रैक को चेक करते हैं, ट्रैक खराब होता है तो हम कहीं ना कहीं आईसी तक जाते हैं। लेकिन ऑन ऑफ की कंडीशन पर ज़्यादातर आईसीयों की प्रॉब्लम नहीं होता, ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है। अच्छा, ऑन ऑफ स्विच खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि ऑन ऑफ बटन जो होती है इसको कई बार हम लोग प्रेस करते रहते हैं। अगर आप मोबाइल फोन जेब में रखे हैं, पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑन ऑफ बटन ही दबाते हैं, तभी आपके मोबाइल फोन में सब कुछ आता है। तो इसका मतलब रहता है कि उसका कई गुना ज्यादा यूज रहता है, और ट्रिगर की तरह काम करती है, कई बार उसका यूज रहता है तो वो बटन यूज होते खराब हो जाती है और आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है, और उसको हम लोग इस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ऑन ऑफ स्विच के बारे में बताया है कि किस तरीके से ऑन ऑफ स्विच के ट्रैक यानी ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये जितने भी सारे ट्रैक जो हम आपको बताते हैं, इन सारे ट्रैक को आप लोग अच्छे से वॉच करें। वॉच करने के बाद इन सारे ट्रैक को आप लिखें, अपने कॉपी में नोट करें, ताकि आप इन ट्रैक के माध्यम से आप अच्छी तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से आप क्या करें, सीख जाएं, और आपको समझ में भी आए और आप अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर सकें। जो रिपेयरिंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं, एक अपना नोटबुक तैयार करें। नोटबुक रेडी करने के बाद जो भी हम आपको ट्रैक सर्किट आपको बनाते हैं, वो सारे ट्रैक सर्किट आप अपने कॉपी में ड्रॉ करें। जो भी हम आपको बातें समझाते हैं कि कैसे ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम आएगी, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए, जैसे मैं आपको ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम आती है तो उसके मैं आपको 5 से 10 स्टेप बोलता हूँ, आप लोग उनको सुनिएगा, उनको लिखिएगा भी। जैसे ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाता है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच बटन को साफ करें, ऑन ऑफ स्विच बटन को चेक करें। ऑन ऑफ स्विच बटन को मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो पहले बीप नहीं देना चाहिए, जब उसको दबाएंगे तो ही बीप देगा तो सही है, अगर खराब है तो उस ऑन ऑफ स्विच बटन को चेंज कर दें या ऑन ऑफ स्विच पत्ते को चेंज कर दें। ऑन ऑफ स्विच पत्ते के बाद जब चेंज करने के बाद आप माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो माइनस वाली पिन पे बीप आएगी, एक पिन पे वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी होती है, 400 से लेकर 1600 तक होती है। अगर माइनस में बीप आती तो सही है, अगर प्लस में वैल्यू नहीं आती तो प्लस का लाइन खराब है। प्लस का लाइन खराब हो जाता है तो प्लस से उठा करके पावर की यहाँ पर लिखा होता है वहां तक जम्पर मार देते हैं, ये चिमटी से ग्राउंड को शॉर्ट करके चेक कर लेते हैं, या उसके ट्रैक में डायोड कैपेसिटर या रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं जिस कारण से भी ऑन ऑफ काम करना बंद कर देता है, तो या उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तब फिर हम पावर आईसी सप्लाई आईसी को फिर हम लोग रिपेयर करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी मोबाइल फोन आता है उसमें ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम की प्रॉब्लम आती है, तो ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम को आप लोग कैसे चेक करेंगे, और जो भी सारा चीज बताया इसको अच्छे से नोट करें। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास जैसे आप लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन, इन सब चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, ये सारी क्लासेस मैं इसलिए देता हूँ ताकि सारे एज ए डेमो वीडियो भी होते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमको किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा काम सीखना है, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। या जो लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में काम कर रहे हैं, अपने दुकान चला रहे हैं या शॉप चला रहे हैं, उनको अच्छा खासा जानकारी है लेकिन उनको ट्रैक चेक करना नहीं आता, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मेरी वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल जाएगा और काफ़ी चीज़ों के माध्यम से सीख सकते हैं। और अगर और एडवांस लेवल तक या पूरी इन सब चीज़ों के बारे में और डीप लेवल से अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ही लोगों की तरह एक लोग मेरे पास आज ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, कुंदन जी हैं, ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, और चंपारण बिहार पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो पहले अपना होटल चलाते थे, मिठाई वगैरह का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं था, ये फादर का काम था, फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद ने टेक्निकल सीख करके एक अच्छी तरीके से काम कर सकूं, तो उन्होंने आज अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है और अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि सर, मैंने आपकी वीडियो को मैंने काफ़ी दिन, 1 महीने 2 महीने 3 महीने अच्छे से नोट किया, काफ़ी चीज़ों को समझा, मैं ऑलरेडी पहले मोबाइल फ़ोन की एक दुकान में काम करने के लिए जाता था, और जो थोड़ा बहुत काम सीख गया तो एक लोगों के साथ में मिल करके मैंने मोबाइल फ़ोन की दुकान भी खोली, लेकिन उसको रिपेयरिंग का काम आता था, मुझको खास रिपेयरिंग का काम नहीं आता था, मैं थोड़ा बहुत उसके साथ में सीखता भी रहा, लेकिन बाद में रहा कि हमारे पास से जो मोबाइल फ़ोन आते थे वो नहीं बन पाते थे, और वो अपना बना करके अपना तो इनकम कर लेता था लेकिन मेरा खास उतना नहीं हो पाता था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना ही करूँगा। और फिर मैं आपकी वीडियो मिली, वीडियो के माध्यम से 2-2.5 महीने सीखा, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सर के पास जा करके ही एक बार पूरा अच्छे तरीके से सीख करके आता हूँ, फिर बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास से दुकान खोलूँगा। तो आज उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, वो अच्छे तरीके से मेरे पास सीख करके जाएंगे, और वीडियो के माध्यम से जब मेरे पास साथ में होंगे तो मैं आप लोगों से मिलाऊंगा भी। और आप लोग भी अगर इस तरीके से पूरे कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर के अंदर सागर मार्केट में है। सागर मार्केट अगर देखा जाए तो अपने पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का मार्केट है। यहाँ पर 5,000-6,000 से ज़्यादा मोबाइल फोन की दुकानें हैं, जो यहाँ पर मोबाइल फोन दूर दराज के लोग झोला भर भर के मोबाइल फोन लाते हैं, यहाँ पर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या कोई भी ऐसी कमी आती है उनको रिपेयर करा करके ले जाते हैं। इसमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको काम आता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको काम नहीं आता, फिर भी मार्केट में मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं।
क्यों? इसलिए क्योंकि उनसे फोन नहीं ठीक हो पाता, तो यहाँ पर बनवा के ले जाते हैं, अपने कस्टमर को सर्व कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास सबसे बड़ा आने का फायदा उनको ये मिलता है कि उनको रिपेयरिंग का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे जितने सारे स्टूडेंट होते हैं जो ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो उनसे मोबाइल फोन हम देते हैं, वो लोग अपने मिल करके सारे मोबाइल फोन को उनको ठीक कर देते हैं, उनका ग्लास चेंज कर देते हैं, उनका काम्बो चेंज कर दिया, उनके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग हुई उसको ठीक कर दिया, ये डेड मोबाइल फोन को रिपेयर कर दिया, मोबाइल फोन में लाइट नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, सेट डेड हो गया, वाटर डैमेज हो गया। वाटर डैमेज के तो समझ लिए 5-5, 7-7 मोबाइल फोन आते हैं, तो बच्चे लोग उस मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने से क्या रहता है कि पहली बात तो क्या होता है, 3 फायदा होता है। एक तो पहली मेरी तरफ से किसी के लिए सेवा हो जाती है, किसी में फ्री में फोन ठीक हो जाता है। दुनिया जान में ऐसा कोई आदमी नहीं कि आपके 10,000 के मोबाइल फोन को बिना पैसे लिए ठीक कर सके, वो ऐसा है तो सिर्फ मैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कमी आती है तो उसको आप यहाँ पर ठीक कराएंगे, तो यहाँ पर हम लोग इतने सालों से सिखा रहे हैं, जो मोबाइल फोन खराब होते हैं वो भी अच्छे लेवल तक रिपेयर हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये रहता है कि हमारा जो बच्चा जो सीख रहा है उसको चालू मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, मार्केट की वजह से इतना काम आता है तो बच्चों को चालू मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिल जाता है, वरना बहुत दुनिया जान में, मैं आपको बताऊं, कानपुर के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, या कानपुर तो छोड़ो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मतलब ऑन मोबाइल फोन पे रिपेयरिंग इसलिए नहीं सिखा पाते क्योंकि वो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग नहीं करते, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनके पास मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनके पास इतना मोबाइल फोन कहाँ पर आएगा। क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो वहां उतना काम हो या ना हो, लेकिन जब आप उस चीज की मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारा काम मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कहता हूं, अगर आप अपने पास देखिए तो आपको 10 आदमी कैंसर के नहीं मिलेंगे, 10 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कैंसर के पेशेंट हो, ढूंढ लेना, 10 आदमी नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ, वहां पर चले जाना, वहां तुमको 1,000 आदमी कैंसर का मिलेगा। अब तुम सोचोगे इतना सारा आदमी कैंसर का कैसे आ गया, वहां पर ऐसे आ जाता है क्योंकि वहां पर उसी चीज का काम है। तो इसलिए दूर दराज के लोग सब लोग भटकते भटकते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से ये सागर मार्केट मोबाइल फोन का गढ़ है, यहाँ पर दूर दराज के भी लोग, जो मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो कहते हैं यार वहां चले जाओ सागर मार्केट में मोबाइल फोन बन जाएगा। हमारा साथी था, वो भी मोबाइल फोन सागर मार्केट से बनवा के लाएगा। यहाँ तक कि दूर दूर के लोग अगर सोचते हैं कि अगर मोबाइल फोन का काम कहीं पर होता है तो सागर मार्केट में होता है, सागर मार्केट में सारा सामान मिल जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, सिचुएशंस होती हैं जो यहाँ पर आकर के एक ही जगह आकर के इकट्ठे हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर जब सीखने के लिए आते हो तो यहाँ पर घर पे सीखते हो, तो घर पे सीखने आपको अच्छा रहता है और पूरा आप अच्छी तरीके से मास्टर बन करके जाते हो। हमारी तरफ से आपको ये सुविधा मिलती है कि आप पूरा यहाँ पर आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर आपको रहने की सुविधा आपको मिल जाती है, फुल्ली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, पूरा फुल डे ट्रेनिंग होता है, सुबह 8 बजे से लेकर अगर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। टूल किट आपको यहीं से मिलता है, बैग मिलता है, आई कार्ड मिलता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सारी सीखने के लिए सारी मशीनें हैं, माइक्रोस्कोप है, डिस्प्ले प्रोजेक्टर है, या और भी सारी चीजें होती हैं वो क्लास में आपको अवेलेबल होती हैं और आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। कोई भी मोबाइल फोन बनने के लिए आता है, एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूँ, आप कितने भी बड़े मिस्त्री क्यों ना हो, आज मेरे पास एक और लोग कोर्स ज्वाइन किया, नरेंद्र गुप्ता जी, नगेंद्र गुप्ता नाम है उनका, और वो फतेहपुर के रहने वाले, बांदा में रहते थे। उन्होंने काफी टाइम से वीडियो देखा और उन्होंने कई जगह पता किया, बाद में आज ईटेक इंस्टीट्यूट को फाइनली ज्वाइन किया। अच्छा, उनका ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बताया कि सर मुझे आपके यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर मार्केट है, अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है रिपेयर होने के लिए, मुझे कितना भी बड़ा मास्टर क्यों ना हूं, बहुत अच्छा रिपेयरिंग करने वाला, मैं खुद कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन मैं बिल्कुल बेकार हूं। क्यों बेकार? अगर मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर मेरे पास होगा नहीं, तो मुझे कितना भी काम आता है मैं चार्जिंग कनेक्टर बना थोड़ी ना दूंगा, लाऊंगा तो मार्केट से ही। तो अच्छा, यहाँ पर फायदा ये मिलता है कि कोई भी चीज खराब होती है, बच्चे तुरंत फोन खोलते हैं, छोड़ते हैं, भाग के जाते हैं, सामान ला करके फट से डाल देते हैं। कितना? जितना उनको फोन खोलने में समय नहीं लगता, उससे से चौथाई, इससे कम समय में जाकर बाजार से सामान ले आते हैं, मतलब बाहर निकलते ही मार्केट है। तो इससे तुमको ये प्लस पॉइंट बहुत अच्छा मिलता है कि आपको कोई भी चीज आपने सीखा सोचा तुरंत आपने रिजल्ट, अगर तुरंत रिजल्ट है तो चीज हासिल है, नहीं तो फिर क्या है, हवा हवाई बातें बातें बहुत। तो इसलिए क्या रहता है कि यहाँ पर सीखने का प्लस पॉइंट ये मिलता है कि मार्केट है, अच्छा सीखने को मिलता है, चालू मोबाइल फोन में काम करने को मौका मिलता है, जो भी सामान होता है तुरंत उसको मार्केट से परचेस करके लाते हो, रिपेयर करते हो। तो हम लोग इस तरीके से मोबाइल फोन के आज ऑन ऑफ स्विच सप्लाई के बारे में मैंने आपको समझाया है और मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारे बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लंबा ना करते हुए
आप इन सब चीजों को अच्छे से देखें। और अच्छा, इनसे संबंधित मैंने और भी सारा वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, उन वीडियो को भी देखें। और ट्रेनिंग लेने से पहले आप मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को दोस्त बाद में ज्वाइन करना, ट्रेनिंग लेने से कम ट्रेनिंग सेंटर की 50 वीडियो, हजारों वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप कम से कम 50 वीडियो देखना। 50 वीडियो देखने के बाद अगर दोस्त ना समझ में आए तो आप कभी भी कॉल मत करिएगा, वरना नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर 6391711711 नीचे स्क्रीन दिए हुए नंबर पर फोन करेंगे, आपको वहां पर बात होगी, अमित सर से बात होगी, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। किसी भी टाइम पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस हो रही हैं, किस तरीके से बच्चे लोग सीख रहे हैं, कैसे मोबाइल फोन रिपेयर किए जा रहे हैं, ये सारी बातों का आप देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉल से तुरंत हैंड टू हैंड 1 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और सब चीजों को अच्छे से सीखें। थैंक यू दोस्तों।